तो यहाँ पर मैंने ये दो प्याज ले लिए हैं बड़े साइज के, इनको मैंने ऐसे काट लिया था, और मैंने दो हरी मिर्च बारीक काट कर ली है, इसको भी मिला देंगे इसमें। और मैंने यहाँ पर ये हाफ टी स्पून लिया है जीरा, ये भी डाल देंगे इसमें। और मैंने यहाँ पर 1 कप ली है सूजी, तो सूजी को डाल देंगे। और अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर ये 1 टीस्पून नमक डाल दिया है इसमें। और अब इन सब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसका एक डो तैयार करना है, कोई हमें इसका घोल तैयार नहीं करना है, तो इसलिए बस थोड़ा सा पानी ही इसमें लगेगा, 2-3 टेबल स्पून पानी लगेगा इसमें। तो ये हमने एक इसका डो तैयार कर लिया। चेक करने के लिए हम हाथों से इस तरीके से गोली सी बना के देख लेंगे, तो हमारा डो जो परफेक्ट है। अब इसको हम 10 मिनट रख देंगे ढक करके, जिससे कि जो सूजी है हमारी फूल जाएगी और फूल करके सेट हो जाएगी एकदम से। तो मुझे 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट बाद ये काफ़ी थिक भी हो गया है हल्का सा, लेकिन ये हम इसको हाथों से चेक कर लेंगे तो ये परफेक्ट है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हम एक शेप दे देंगे, पहले राउंड देंगे फिर इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे, और इस तरीके से हम बना लेंगे। और जो हमारा बाकी बचा हुआ डो है उसका भी हम इसी तरीके से शेप दे देंगे। और मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया, तो ऑयल हमें मीडियम गरम चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए ना ही एकदम से कम गरम होना चाहिए। तो हम अपना डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे, पलटते जाएंगे और पलट पलट के इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सूजी का हमारा एकदम से, सूजी और प्याज का हमारा कुरकुरा सा नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार है। ये ऊपर से इतना ज़्यादा क्रिस्पी होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसको बनाने में केवल 10 मिनट या 15 मिनट का समय लगता है, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।